पर उपस्थित अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंच पे विराजमान हमारे ब्लॉक पूर्व मंत्री बहन नसीम अख्तर जी, कल्पना करना मुश्किल होगा कि कोई हार्ड मास का व्यक्ति इस तरीके का इस धरती पर चला और सच्चे मन से हम लोग सिर्फ दिखावे के तौर पे गांधी जी को हम का के कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम सच्चे मन से श्रद्धा से बापू का अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, बापू के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और देशवासियों को आह्वान कर रहे हैं कि बापू के रास्ते पर चलकर ही ये देश सुरक्षित रह सकता है और ये देश प्रगति के रास्ते पर जिस तरीके से इन 70 वर्षों में आया है तभी आ सकता है, अन्यथा ये देश धरातल की ओर चलेगा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं, गांधी की सिद्धांतों की कितनी जरूरत है? अब गांधी जी के सिद्धांतों का यही अपने आप में दर्शाता और परिलक्षित करता है कि जिस तरीके से नाथूराम गोडसे जी गोडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है वो पूरा दृष्टांत आपके सामने। प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव है सर, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का ये स्टैंड है कि हम जीत कर आएंगे चुनाव, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस जन पूरे सब लोग हमारे जो नेता है हमारा कैबिनेट सब लोग पूरा अपना प्रयास करके पूरा इस चुनाव को जीतने का। आरएलपी कांग्रेस के समर्थन में या भाजपा के समर्थन में चुनाव लड़ रही है? वो है तो ये राजनीति में तो देखिए कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, ये परिस्थितियाँ बदलती हैं उसके अनुरूप लोग अपने अपने कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आती है। गुटबाजी हर पार्टी में होती है, जो भी पार्टी ज्वलंत होती है गुटबाजी वहाँ तक सीमित रहनी चाहिए जहाँ तक उसका हेतना हो, तो ये प्रयास करेंगे कि गुटबाजी न्यूनतम स्तर पर है। अजमेर विकास को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है? क्योंकि अजमेर से कोई जनप्रतिनिधि कांग्रेस का उधर नहीं है तो अजमेर का विकास कैसे? अब ये प्रमोद जैन बिहाया जी की जिम्मेदारी है, ये सब करेंगे।